दूसरों की रील्स वीडियो को अपना रील्स वीडियो कैसे बनाएँ फ्रेंड्स क्या होता है कि हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहते हैं ठीक है और ऐसे में हमको अगर कोई वीडियो पसंद आ जाती है तो हम चाहते हैं कि उस वीडियो को हम अपना रील्स वीडियो बना लें अपना ओरिजिनल रील्स वीडियो बना लें तो कैसे बना सकते हो वो प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी आसान तरीके से फ्रेंड्स जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं हमारे सामने बहुत सारी वीडियो आती है और हमको कोई वीडियो पसंद आ जाता है तो हम क्या करते हैं उस वीडियो को हम चाहते हैं कि अपना वीडियो बना ले और बनेगा कैसे बनेगा वो प्रोसेस हम आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को स्किप मत करना बस आप ध्यान से देखते रहिए तभी आप बना पाएंगे नहीं तो फिर आप नहीं बना पाओगे ठीक है कैसे बनाना है देखिए यहाँ पे ये वीडियो चल रही है ठीक है मैं सुना भी देता हूँ देखिए यहाँ पे वीडियो चल रहा है और ये वीडियो मान लीजिए हमको पसंद आ गई या फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ ठीक है यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ बहुत सारी वीडियो हमको नजर आएगी ठीक है बहुत सारी वीडियो नजर आ जाएगी ठीक है सो यहाँ पे जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो नजर आएगी ठीक है बहुत सारी वीडियो मान लीजिए ये वीडियो हमको पसंद आगे ठीक है इसी वीडियो को पसंद कर लिए या फिर कोई और वीडियो स्क्रॉल कर देख लेते कोई और औसम सा हमको दिख जाता है खे? तो उस वीडियो को इस वीडियो को चलिए बनाते हैं अपना ठीक है यह वीडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है और इस वीडियो को हम अपना ओरिजिनल वीडियो बनाना चाहते हैं देखिए यहाँ पे इनकी लोगो दिखा दिख रही ना इनकी लोगों दिख रही है ठीक है थीके? मतलब जिनका ओरिजिनल वीडियो है उनका दिख रहा है और जब हम अपना बना लेंगे अपना रील्स वीडियो बना लेंगे तो यहां पर हमारा लोगो दिखेगा जो हमारे प्रोफाइल का लोगो है यह यहाँ पे वो दिखेगा ठीक है कैसे दिखेगा चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इस वीडियो को अपना रील्स वीडियो बनाना है सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पे क्लिक करना है देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है शेयर का शेयर के नीचे आपको एक थ्री डॉट दिखेगा देख सकते हैं एक शेयर का तीर है तीर के नीचे आपको थ्री डॉट दिखेगा इस पर क्लिक करना है अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको दिखेगा रीमिक्स रीमिक्स पे आपको क्लिक करना है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगी कि देखिए भैया यहाँ पे दोनों तरफ वीडियो क्या होता है कि हम ड्यूट करते हैं वो करके इस वीडियो को ओरिजिनल बनाना है। नहीं भाई आपकी वीडियो नहीं उस तरीके से नहीं बनेगा इसमें क्या होगा कि आप यही वाला वीडियो आपका पूरा फुल चलेगा और ये आपका ओरिजिनल वीडियो हो जाएगा ठीक है आपको ड्यूट नहीं बनाना है अब यहाँ पे करना क्या है देखिए अगर आप ड्यूट करते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं विथ ओरिजिनल वीडियो इसके साथ आप ड्यूट कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है आफ्टर ओरिजिनल वीडियो यानी ओरिजिनल वीडियो के बाद आफ्टर ओरिजिनल वीडियो क्या लिखा हुआ है मैं आगे बताऊंगा आपको ठीक है तो यहां पे आपको आफ्टर ओरिजिनल वीडियो पे क्लिक करना है अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा ठीक है अब कैमरा ओपन होने के बाद से ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा अब आप कहेंगे भैया कैमरा ओपन हुआ है वीडियो क्यों आ गया तो यहाँ पे वीडियो आएगा ही आएगा अब यहाँ पे करना क्या है एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना है देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इस वीडियो को कर देना है जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं फिल्टर लगा लीजिए ठीक है एक फ़िल्टर कोई भी प्यारा सा फिल्टर लगा लीजिए और यहाँ पर मैं भी अपना फ़्रंट कैमरा कर लेता हूँ देखिए फिल्टर लगा लिया फ्रंट कैमरा

तो देखिए मैं यहाँ पे तीन सेकंड कम से कम रिकॉर्ड करना अधिक से अधिक आप दस सेकंड पंद्रह सेकंड तक की रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई इसका वो नहीं है नब्बे सेकंड तक टाइमिंग रहती है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कम से कम तीन सेकंड आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपके सामने देखिए रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो मैं रिकॉर्ड करूँगा कुछ बोल के ठीक है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ वाह क्या वो सा वीडियो है भाई मजा आ गया तगड़ा वाला एकदम यार झग्का नंबर वन मानना पड़ेगा देखिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया और स्टॉप कर लिया अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको देखिए मैं फोन को पहले यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पे, पे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई बैक कैमरा कर लेता हूँ हाँ देख सकते हैं ये जो क्लिप है आ गई मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो भी आ गई यहाँ पे तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा अब देखिएगा ये वीडियो जब ये ओरिजिनल वीडियो है ये जो चल रहा है ना ओरिजिनल वीडियो जिनका वीडियो मैंने अपने पसंद का वीडियो मैंने चाहा उनकी वीडियो को अपना बनाओ तो इस वीडियो को मैंने उसके बाद ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा हमारा वीडियो हो आ जाएगा तो इस तरीके से आपको अपनी ये वीडियो पहले शूट करनी है यहाँ पे ठीक है जैसे कि वो वीडियो जो वीडियो पसंद है उस वीडियो के बाद आपकी वीडियो वहाँ पे तीन सेकंड कम से कम रिकॉर्ड करनी है रिकॉर्ड करने के बाद से ये वीडियो आपका पूरा चल जाएगा जो फर्स्ट में आपने वीडियो सेलेक्ट किया है वो वीडियो चल जाएगा उसके बाद से आपकी रिएक्शन वाली वीडियो चलेगी यानी आप जो बोले रहेंगे वो चलेगा उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एडिट कवर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट की थी अपने पसंद का उस वीडियो में से एक थमनेल सेलेक्ट कर लीजिए या डन कर दीजिए तो वो थमनेल यहां पर आ जाएगा उसके बाद से राइट कैप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है जो गाना है गाने का टाइटल लिखिए यानी जो भी है वो आपको लिख देना है जैसे मान लीजिए जै दिल फिल्म का गाना इस पर लगा हुआ है तो मैं दिल का यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे दिल लिख दिया बस ठीक है यानी जो गाना है उसका टाइटल लिख लेना है और फिर आपको एक दो हैशटैग भी लगा लेना है अपने वीडियो से रिलेटेड ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लव ठीक मैंने लव का हैशटैग यहाँ पे एक लगा लिया देखिए लग गया और भी हम बहुत सारा यहाँ पे लगा सकते हैं।, लगाने के हैं अगर आप टैग करना चाहें तो टैग कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं उसके के पे आपको क्लिक कर देना है जैसे थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ शेयरिंग टू रील लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फिनिश अप लिखा हुआ आ जाएगा और यहां मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि जल्दी से अपलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो आपका बना कि नहीं बना देखिए ये वीडियो यहाँ पे आ गया अब मैं प्रोफाइल पर क्लिक यानी वीडियो पर क्लिक किया अब ये वीडियो देखिए चलने लगा तो तो सही है। देखिए ये वीडियो चलने लगा उसके बाद जस्ट हमारा वीडियो चलने लगा और ये ओरिजिनल वीडियो है ठीक है मैं एक बार और आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे देखिए अपनी प्रोफाइल पे गए और यहाँ पे ये वीडियो आ चुकी है यहाँ पे क्लिक किया और इस वीडियो पे क्लिक करते हैं दिखा देता हूँ आपको देख सकते हैं ये वीडियो हमारा हो गया और यहाँ पे अब हमारे प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल ही है और ये प्रोफाइल वाला लोगो इस वीडियो में अब हमको दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और देखिए यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल वीडियो यानी हमारी वीडियो बन चुकी दूसरे का वीडियो है लेकिन हमारा वीडियो हो गया है अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ देखिए यहाँ पे मैं बैक आता हूँ बैक आता हूँ और यहाँ पे कैमरा पे अब देखिए इनकी वीडियो में इनका लोगो है यानी जिनका साउंड है उनका लोगो लगाओ लेकिन अब मैंने जो वीडियो क्रिएट कर लिया उसके बाद से वो हमारा लोगो लग गया यानी हमारा वीडियो बन चुका है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी दूसरे की रील्स वीडियो को अगर पसंद आ जाती है तो अपना रील्स वीडियो बना सकते हो ठीक है वीडियो पसंद है फ्रेंड तो लाइक करना शेयर करना एक प्यारा सा कमेंट करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक को ऑल प्रेस कर लेना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम